Is it audible? Good morning, all of you. Welcome to the Daily Newspaper Analysis. Today is 6th of July, and a very warm good morning to all of you. Warm in literal sense also. Garmi bhi aaj phir se badh gayi hai, but in a good way, because expected that the monsoon will probably arrive in Delhi and NCR finally around this weekend. Usko aur thoda khichne ke liye, pull karne ke liye, we need a little bit of heat, low pressure. So that way, I think it's better only. And जल्दी से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट. Just start quickly. एक बार जल्दी से share कर दीजिए that we are live, up and running. आवाज आ रही सबको? Is it audible? चलिए, गुड. नॉट मच इन एडिटोरियल टुडे. दो एडिटोरियल हैं, एक अफ्रीका के ऊपर अच्छा है थोड़ा, एक इनफैक्ट आज के दोनों एडिटोरियल जो है वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हैं. तो और आज एक इम्पॉर्टेंट डे भी है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विथ आर इंटरनेशनल रिलेशन कोर्स टुडे. तो ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दैट. सो अनअकैडमी प्लस पे आज से हमारा IR का कोर्स चालू हो रहा है, जो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ कोर्स होने वाला है, जहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़, एक एक नुवांसेज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज. तो आज 1 बजे से वो कोर्स चालू हो रहा है. तो अफ्रीका इंडिया रिलेशंस के ऊपर एक, और चाइना के ऊपर एक आर्टिकल आया है. उसके अलावा इज वन ऑन इंडिया टर्की एंड टर्की अफगानिस्तान. तो आज का मोटिवेशनल कोट, परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस. बहुत ही अच्छा कोट है ये, कि परफेक्शन पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज किसी भी चीज़ में आप परफेक्शन कोशिश करोगे तो वो हमेशा लगेगा कि अभी थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया. बट अगर हम परफेक्शन को चेज करेंगे तो एक्सीलेंस ज़रूर रीच कर सकते हैं, ठीक है. बट UPSC में थोड़ा इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं. हर चीज़ में हमें परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें अबव एवरेज चाहिए. यहाँ पर एक्सेलेंस भी कुछ टॉपिक्स में आप अचीव कर सकते हो, बट नॉट इन एवरी टॉपिक. तो थोड़ा सा हम इसको अपने हिसाब से एग्जाम के लिए मॉडिफाई कर देंगे. बाकी आज से 1 बजे से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स टिल 30th of July आपका पूरा ये डिटेल में कोर्स होने वाला है. अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे डिटेल में पूरा IR कोर्स होगा, एंड यू कैन यूज दिस कोड टू परचेज द बुक ऑल्सो. सो दिस बुक इज रिकमेंडेड फॉर दिस कोर्स, बिकॉज इसको मैंने डिटेल में इस तरीके से लिखा हुआ है, सो दैट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे नोट्स जो है वो मिलेंगे आपको. उसके अलावा आपको यहाँ पे बुक से भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ इमेजेस एंड डायग्राम इज देयर. आज आवाज़ लो है, आई थिंक कुछ तो इसका फिल्टर है, वो आवाज़ सप्रेस करता है. कोई नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको चेंज करते हैं. अभी बेटर है? ओके, ठीक है. सो आज से ही चालू हो रहा है. बाकी तो अनअकैडमी प्रॉमिस के बारे में आपको पता ही है, 1st to 7th July के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लास्ट डेट है कल, तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा. तो फटाफट इस ऑफर को जाने मत दीजिए. बाकी तो खैर, इंटरनल सिक्योरिटी हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है,
गवर्नेंस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 12 जुलाई तक, और आईआर का कोर्स आज से चालू हो रहा है, तो उसके लिए एनरोल कर लीजिए। तो पावर पैक जुलाई सेशन होने वाले हैं। उसके अलावा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जुलाई में स्पेशल क्लासेस लूंगा ऑन एनसीईआरटी, एंड ऑफ कोर्स जो हमारा प्रीलिम्स सीरीज चल रही है उसके ऊपर भी क्लास लेने वाला हूं मैं। तो वो मैं भी मतलब आई हैव टू शेड्यूल अ फ्यू लेक्चर अकॉर्डिंगली, तो मैंने टीम को बोल दिया है, सो दे विल बी शेड्यूल, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो वो एनसीईआरटी सीरीज और वो प्रीलिम्स जो सीरीज हमारी चल रही है स्पेशल क्लास की, वो कंटिन्यूड रहेगी। सो पहला आर्टिकल जो है टर्की इन द नेबरहुड, सो राजा मोहन साहब ने लिखा है ये, एंड ये बेसिकली हाईलाइट करता है कि इंडिया टर्की रिलेशंस की अगर हम बात करें तो पहले थोड़े ठीक भी थे, मतलब हम कभी ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही बेहतरीन रिलेशन रहे हो इंडिया टर्की के, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मोस्टली, क्योंकि शुरू में तो देखिए कैलिफेट था, ऑटोमन एम्पायर, और कैलिफेट जब अबॉलिश हो गया, आपको पता होगा खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ था, तो खिलाफत मूवमेंट में वी सपोर्टेड दी शौकत ब्रदर्स, एंड गांधी जी तो खुद ही कमेटी के चेयरमैन थे खिलाफत कमेटी के, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के, इन सपोर्टिंग दी यू नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जो रीस्टोर करना था कैलिफेट, बट फिर वो हुआ नहीं। ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, एंड उसके बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क, ये जो साहब बैठे हैं सामने, इन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट काम किया, और उस काम क्या था कि उन्होंने जो कैलिफेट अबॉलिश हो गया उसके बाद उन्होंने अपनी कंट्री को ना सेकुलर बना दिया, ये सबसे बड़ा काम था। दैट टर्की वॉज मेड सेकुलर बाई हिम, विच वॉज बेसिकली अर्लियर इट यूज टू बी द हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर था, एंड ऑटोमन एम्पायर वॉज बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर उस टाइम का, तो वहां पे जितने भी आप कह सकते हो वर्ल्ड के जितने मुस्लिम्स थे उनके लीडर माना जाता था इनको। बट आफ्टर जो यू नो जब ब्रिटिशर्स आ गए, उसके बाद जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क आए, तो उन्होंने कैलिफेट को अबॉलिश करके ही मेड हिज गवर्नमेंट एंड एजुकेशन सेकुलर, एंड गेव इक्वल राइट्स टू वुमेन एंड मेन, एंड ही टुक नेसेसरी मेजर्स टू एडवांस आर्ट साइंस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और आप इसका इफेक्ट देखते भी हो, इस्तांबुल से लेके चाहे आप कहीं की भी बात करें, आप इसका इफेक्ट देखोगे बहुत क्लियरली दिखता था। अभी सोफिया हेग, सोफिया जो हमने मॉस्क की बात करी थी कि वो पहले मॉस्क था, चर्च हो गया, फिर म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया, फिर से अब वो मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया है सोफिया हे गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सेकुलर बिल्डिंग्स हैं, सेकुलर प्लेसेस हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इन इन टर्की, जो अब पहले सेकुलर थे बट अब सेकुलर नहीं, एंड दे आर नाउ मूविंग बैक टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक नेशन। तो सेकुलरिज्म थोड़ा सा कम दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, दो वजह से। एक तो टर्की इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान को चाहे वो कश्मीर का इशू रहा हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का इशू है, या कोई भी इशू है, वो पाकिस्तान को इसमें डायरेक्ट सपोर्ट देते हैं। यहां पे हम इनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज अफगानिस्तान में काबुल एयरबेस को ये प्रोटेक्शन देंगे, इन्होंने बोला है, यूएस को और बाकी जितने भी आसपास के एयरबेस हैं उनमें इन्होंने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, एंड दे हैव ऑल्सो प्रॉमिस दैट दे विल ट्रेन दी अफगान फोर्सेस। इन्होंने ये प्रॉमिस कराया कि हम अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग भी देंगे। तो अब दे आर ट्राइंग टू बी अ मेजर प्लेयर इन अफगानिस्तान, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू बी अ मेजर प्लेयर इन अफगानिस्तान। दूसरा, एर्दोगान जो है उनकी पॉलिसी थोड़ी ऐसी है जो थोड़ी कंसर्निंग है, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है, अब यहां पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। सऊदी अरेबिया हमेशा से जो आप कह सकते हो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड है उनका लीडर है, ठीक है, वो हमेशा से उसने प्रोजेक्ट किया है कि वो ऑल द मुस्लिम्स का लीडर है वर्ल्ड में। बट इसको तोड़ने की कोशिश जो है थोड़ा, या टर्की इसको चाहता है कि हम इसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, एर्दोगान प्रोटेक्ट करना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मैं लीडर हूं वर्ल्ड में जितने मुस्लिम्स हैं। इस वजह से कई बार इवन पाकिस्तान को भी एम्बेरसमेंट हो जाती है। तो एक एक दो बार तो ऐसा भी हो चुका है कि पाकिस्तान जो है और सऊदी अरेबिया के रिलेशन खराब हो गए टर्की की वजह से। एंड ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि सऊदी अरेबिया आजकल पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान हैज बीन वेरी क्लोज टू टर्की, क्योंकि टर्की इज ट्राइंग टू डू एर्दोगान वो करना चाह रहे हैं जो सऊदी अरेबिया ऑलरेडी करता है। तो इस वजह से इनके भी रिलेशन खराब हुए। इनफैक्ट जो जनरल है कमाल बाजवा साहब, बाजवा साहब को इंटरवीन करना पड़ा रिलेशन बचाने के लिए अपने और सऊदी अरेबिया के, बिकॉज ऑफ एर्दोगान वो जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं दैट दे आर द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, और वो सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाता है फिर उस वजह से भी। प्लस आप देखो जमाल खाशोगी केस हुआ, ठीक है, उसके अलावा
पहले दे वर अ वेरी क्लोज एलाई ऑफ यूएस, बट नाउ वो खत्म ही हो चुका है. नाउ दे आर अ बिगर एलाई टू रशिया. एंड रिसेंटली आपको पता है इन्होंने S-400 मिसाइल्स भी खरीदी. तो डिफेंस के मामले में नाउ दे हैव गॉन क्लोजर टू रशिया. पहले ये यूएस के साथ हुआ करते थे, तो अब ये भी एक एंगल आ चुका है. प्लस टर्की बिकॉज अब थोड़ा एंटी यूएस हो चुका है, चाइना के साथ भी रिलेशन बना रहा है, ठीक है, रशिया के साथ है ही रिलेशन. बट इन सब में अगर आप देखोगे, इनके ना कुछ लूप होल्स भी रहे हैं बहुत बड़े. जैसे इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है कि हम जो है अफगानिस्तान में वे गोइंग टू प्ले अ मेजर पार्ट. नाउ बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ नेटो, बट इन्होंने कभी भी फुट ऑन द ग्राउंड कमिट नहीं किया. दे नेवर वेंट यू नो सेंड देयर सोल्जर्स, फुट ऑन द ग्राउंड कभी नहीं रहा है, नेवर. और ना ही कभी डायरेक्ट इन्होंने कन्फ्रंट्रेशन किया है. ये सिर्फ क्या बैक में सपोर्ट दिखाने की कोशिश करता अफगानिस्तान में कि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं. और अभी इन्होंने अपॉर्चुनिटी के तौर पे इन्होंने सोचा कि अब यूएस बाहर जा रहा है तो हम अपने आप को बेसिकली ही वांट्स टू प्रोजेक्ट दैट दे आर अ मेजर रीजनल पावर. सारा खेल वही है, ठीक है. सारा खेल क्या है कि वी वॉन्ट टू प्रोजेक्ट, एर्दोगान वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट दैट दे आर अ मेजर रीजनल पावर इन दिस रीजन. और उस वजह से कई बार क्या हुआ है, इनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ है विद नेबरिंग कंट्रीज. मोर रिसेंटली आपको पता होगा ग्रीस के साथ और साइप्रस के साथ. इसके बारे में हमने बात भी करी थी अभी. ग्रीस और साइप्रस के साथ मेडिटेरेनियन सी में इनका कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली हो चुका है. फ्रांस को नेवी भेजनी पड़ी थी, इंडिया को भी इंटरवीन करना पड़ा था. सो इन सब एंगल में अगर आप देखोगे तो इंडिया के लिए क्या लेसन है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे. सो मेजरली जो पॉइंट्स है मैंने आपको यहाँ पे आर्टिकल में बता दिए कि क्या इनके इशू है, ठीक है. दे वॉन्ट टू बी अ रीजनल एक्टर, ठीक है, इन इन अफगानिस्तान. दे वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स. एंड कभी भी इन्होंने कॉम्बैट रोल जो है उसमें अपने फोर्सेस को भेजा नहीं है. दे वॉन्ट टू प्रोजेक्ट एज अ रीजनल पावर, बट उस तरीके से बिहेव नहीं करते. बट इनका रोल थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट रहा है बिकॉज आपको पता होगा इस्तानबुल हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होती थी अफगानिस्तान के लिए, ठीक है. ये इस्तानबुल हार्ट ऑफ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार एग्जाम में आ भी चुकी है. सो ये जो था ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक चैनल था थ्रू विच अफगानिस्तान के रिकंसिलेशन प्रोसेस की बात की जाती थी. तो वहां पे थोड़ा बहुत इनका इन्वॉल्वमेंट रहा कि इन्होंने होस्ट किया, ऑर्गेनाइज किया समिट. एंड उसके अलावा आप देखो पाकिस्तान के साथ जो इनके मेजर जो इंटरलिंकिंग है पॉलिसी की, वो कॉज ऑफ कंसर्न रहा है हमेशा से इंडिया के लिए. एंड उसका एक और भी बड़ा रीजन है क्योंकि हिस्टोरिकली दे हैव बीन क्लोज. वो क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब पोस्ट इंडिपेंडेंस आप देखेंगे 1960s में जो सेंटो की स्थापना हुई, ठीक है, विच वॉज बेसिकली एन अलायंस. तो वहां पे सेंटो में दोनों साथ में थे. बाद में जो है सेंटो खत्म हो गया तो टर्की एंड पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेंटो भी बोलते हैं. वो सेट अप इन 1955 बाय द ब्रिटिश. बट ऑल्दो सेंटो जो है 1979 में कोल्ड वॉर के टाइम पे खत्म हो गया, बट टर्की एंड पाकिस्तान के रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हो गए. तो इस वजह से आप देखोगे पाकिस्तान के साथ इन्होंने अपने रिलेशंस को कंटिन्यू किया है बिकॉज ऑफ सेंटो. ये जो है आप देखोगे इसके बारे में हम लोग और ऐसे ही डिटेल में, अभी तो टर्की में बहुत सारे एंगल है जिनको हम लोग अपने प्लस कोर्सेज में डिस्कस करेंगे. बिकॉज मतलब एक लेक्चर काफी नहीं है इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए. टर्की इंडिया रिलेशंस में बहुत सारे जो है एंगल्स हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा. बट अभी एज ऑफ नाउ द एडिटोरियल सेज कि देखो पहले कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ने कोशिश भी करी है. फॉर एग्जांपल देयर वर मोमेंट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी, जहां पे इंडिया और टर्की थोड़ा सा लगे कि क्लोज आ सकते हैं, बट ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा. बिकॉज टर्की हमेशा से इंडिया को पाकिस्तान के प्रिज्म से देखता है. अब बीच में एर्दोगान आए भी थे इंडिया में, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज अगेंस्ट हिज ओन पीपल, स्पेशली कुर्द्स, ठीक है, कुर्द्स के खिलाफ एट्रोसिटीज करना, सीरिया के खिलाफ लड़ाई करना, सीरिया में जो बॉर्डर है वहां पे पुश कर देना, आर्मी भेज देना अपनी. आपको याद ही होगा डोनाल्ड ट्रंप ने लेटर लिख दिया था इनको, डोंट बी अ बैड बॉय, ठीक है, हिस्ट्री विल जज यू फॉर द एक्शंस यू टेक. यू मस्ट रिमेम्बर, आपने देखा होगा वो लेटर लिखा था डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोगान को कि सीरिया में जो हो रहा है उसको मत करो, व्हाई यू आर सेंडिंग टैंक्स ऑन द बॉर्डर. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो एर्दोगान ना एक अपने आप को चैंपियन प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि वो है नहीं. अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एर्दोगान को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है, ठीक है. ही हैज बेसिकली कैंपेन्ड इन फेवर ऑफ हिम इतना ज्यादा कि कभी कभी सऊदी अरेबिया से रिलेशन खराब हो जाते हैं. आर्मी चीफ जनरल कमार बाजवा साहब को इंटरवीन करना पड़ गया टू सेव द रिलेशन विद सऊदी अरेबिया. सिमिलरली एर्दोगान जो है उनकी पॉलिसी जो क्या है कि वो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उनके सपोर्ट में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश के लिए तो वैसे तो उन्होंने उनको बांग्लादेश के में जब उनकी जो एक मुस्लिम कैरिक थे
जमाते इस्लामी जो उनके लीडर है उनको जब हैंग किया गया। सो जमाते इस्लामी बेसिकली से टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जमाते इस्लामी के लीडर को जब बांग्लादेश ने एग्जीक्यूट किया तो उन्होंने बहुत अपोज किया, बट वहीं पे रोहिंग्या क्राइसिस में उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। तो कभी ना मतलब काफी सही तरीके से ये बैलेंस कर देते हैं। तो वही है कि हर एक कॉज में जहां पे इस्लामिक या मुस्लिम वर्ल्ड की बात आती है, एर्दोगान वहां पे सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये नहीं देखते क्या सही है क्या गलत है, उन्हें बस ये दिखाना है कि भाई हम साथ में। सेम चीज वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है संस्था, उसमें भी करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अतातुर्क साहब के टाइम पे जब ये कैलिफेट को अबॉलिश किया गया, ही एस्टैब्लिश्ड अ सेकुलर कंट्री, बट एर्दोगान की जो इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स है वो उसको वापस पीछे की तरफ फेंक रही है, पीछे ले जा रही है। और टर्की जो है अपने हिसाब से काम करता है, उन्हें जो लगता है कि नीटो की पॉलिसी उन्हें सूट करती है उनके इंटरेस्ट को, वो उस हिसाब से काम करेंगे। एंड दे हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ द अलायंस विदाउट सेक्रीफाइसिंग देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जैसे S-400 इन्होंने खरीदा, तो यूएस यूएस के साथ भी अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस ने तो बोला भी था कि इनके ऊपर हम कैप्सा लगा देंगे, बट बिकॉज इंडिया एंगल में आ गया तो उन्होंने अभी इस बारे में कुछ बोला नहीं। बिकॉज फिर वो थोड़ा एक कह सकते हो कि आप डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता, वो बोल देते अरे इंडिया को तो करा नहीं, हमें क्यों करना है। सो दैट वुड हैव बीन द पॉइंट। सो एनीवे, सो टर्की वाज द फर्स्ट मुस्लिम मेजोरिटी नेशन दैट एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल। अब देखो इतने स्मार्ट है, ठीक है, ये इसराइल को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो एर्दोगान नाउ एक्टिवली मोबिलाइजेस द अरब एंड इस्लामिक वर्ल्ड अगेंस्ट इसराइल विदाउट ब्रेकिंग रिलेशन विद तेल अवीव। दे हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इसराइल आल्सो, मतलब ऐसे नहीं कि इसराइल के साथ रिलेशन के खराब है, बट जैसे ही कभी भी बात आएगी पैलेस्टाइन की तो ये इसराइल के खिलाफ हो जाएंगे। बट फिर भी अपना रिलेशन खराब नहीं करते उनके साथ, ऐसा भी नहीं कि रिलेशन खराब कर लेंगे। और इनकी यही एडवेंचरिस्ट पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ है, चाहे वो टर्की रहा हो, चाहे वो फ्रांस रहा हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो इंडिया हो, इनका हमेशा से आप देखोगे इन कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। रीजनली अभी रिसेंटली इंडिया और ग्रीस ने नेवल एक्सरसाइज करी थी मेडिटेरेनियन सी में, तो वो खुद ही दिखा रहा है कि हमारा इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन किधर है। ठीक है, वी ऑफ कोर्स टर्की इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर अस, बट इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब हम सब चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो इंडिया का इनफैक्ट ग्रीस, साइप्रस, आसपास की जो कंट्री है उनसे ज्यादा बेटर रिलेशन है एज कम्पेयर टू टर्की। एंड मेजरली बिकॉज एर्दोगान हैज बीन सपोर्टिंग ऑल दोज एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के खिलाफ काम करती हैं, चाहे वो आपके मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड रही हो, चाहे वो आपके जमाती इस्लामी रही हो इन साउथ एशिया, इनफैक्ट कश्मीर में, और इवन सम जो एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट टर्की ने भी दिया। तो इसीलिए हमारे लिए तो मतलब खैर इट्स लाइक अ लिमिटेड स्कोप, तो वैसे डायरेक्ट कभी कन्फ्रंटेशन हमारा हुआ नहीं है और ना ही है, वो तो बेटर ही है। बट एर्दोगान जब तक पावर में रहेंगे तब तक तो आई डोंट थिंक सो देर विल बी मच इम्प्रूवमेंट। ऑल्सो बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एर्दोगान इज लूजिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन हिज ओन कंट्री। इनफैक्ट एर्दोगान, आपको याद होगा टर्की में एक मिलिट्री कू होने वाला था। इनफैक्ट टर्की के कुछ जो खुद के ही उनके पार्टी के लोग थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एर्दोगान ने फेक मिलिट्री कू दिखा के उन सबको अरेस्ट करवा के एग्जीक्यूट करवा दिया। और दूसरा क्या है, वहां पे जो कुर्दिश लोग हैं उनकी पार्टी जो है काफी पावरफुल हो रही है, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो ही इज गोइंग ऑन अ रैम्पेज एंड यू नो गेटिंग देम एग्जीक्यूटेड, गेटिंग देम अरेस्टेड। तो वो कुर्दिश पार्टीज जो है स्ट्रांग हो रही है, तो वो अपना उनका ना जो स्ट्रांग सोशल बेस या स्ट्रांग सपोर्ट है खुद की कंट्री में कम हो रहा है। अच्छा, टर्की में भी आप देखोगे मेजरली जो हम टर्की इमेजिन करते हैं, हमें इस्तांबुल दिखता है, बट वो बहुत बड़ी कंट्री है जिसका मेजर पोर्शन तो एशिया में लाई करता है, एशिया एंड मिडिल ईस्ट में बेसिकली। तो वहां पे जो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर या मिक्स मेट्रोपॉलिटन कल्चर है वो थोड़ा इस्तांबुल और आसपास के एरिया में, बट बाकी एरिया में आप देखो अंकारा और नीचे जो बाकी सिटीज हैं वहां पे इट इज स्टिल लिटिल कंजर्वेटिव कल्चर। तो वो सिर्फ इस्तांबुल में आपको देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न, बिकॉज इट्स इन यूरोप, यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की। दैट इज आप देखो यूरो में भी टर्की पार्टिसिपेट कर रहा है, टेक्निकली यूरोप का पार्ट नहीं है बट क्योंकि इस्तांबुल और उसके ऊपर वाले एरिया जो है यूरोप में आता है, सो दे आर अ पार्ट ऑफ यूरोप। इसीलिए आप देखो नेटो में भी है, ये यूरेशिया का पार्ट है। सो ये चीजें, सो इन सब चीजों की वजह से आप देखोगे टर्की इंडिया के रिलेशन में कभी वो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हो पाया। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सो अगला आर्टिकल जो है दैट इज रिलेटेड टू अ क्राफ्टिंग अ यूनिक पार्टनरशिप विद अफ्रीका। नाउ डोंट गो टू मच इन डिटेल इन दिस आर्टिकल, इसमें इन्होंने मेजरली एक ही चीज पर सिर्फ फोकस किया है जो कि एक वन डायमेंशन है, इट इज मेजरली ऑन एग्रीकल्चर। इन्होंने पूरा आर्टिकल सिर्फ अफ्रीका और इंडिया और चाइना के एग्रीकल्चर पे डाल दिया है।
तो इसको क्विक, बस जो हमारे लिए रेलेवेंट पॉइंट है उसको समझना है, इसमें ज्यादा कुछ नोट करने का नहीं है। सो अभी आप देखेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब रिसेंटली ट्रिप पे गए थे केन्या के, देन ही मेंशनड अबाउट अ हिस्टोरिक सॉलिडारिटी इन टू इज टुडे अ मॉडर्न पार्टनरशिप विद अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्रीज देखिए, अब अफ्रीका के बारे में दो तीन चीजें हैं, एक तो रिसोर्स रिच रीजन है बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए उसको यूज नहीं कर पाते। दूसरा, एग्रीकल्चर इज स्टिल वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसलिए आप देखो इंडिया इनसे कंटिन्यूअसली इंगेज करने की कोशिश करता है। इंडिया के मेजर ट्रेड रिलेशंस है विद अफ्रीका, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड टेक। इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया हुआ है, इंडिया लोन भी देता है, इंडिया गाड़ियां भी देता है, सॉफ्ट लोन भी देता है। सो इंडिया और अफ्रीका में काफी सिग्निफिकेंट ट्रेड रिलेशंस है, स्पेशली इन एग्रीकल्चर। अब वहां पे आप देखोगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स फुटप्रिंट इन अफ्रीका, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इट्स अ रिसोर्स रिच कंट्री और इजिली बहला फुसला के उनके कंट्रीज पे या कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे इन्होंने वही चीज की हाईलाइट किया, एज एन इंपोर्टर ऑफ फ्रूट्स नट्स एंड ग्राम्स एंड पल्सेस फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्ग्रुएंस विद अफ्रीकन कंट्रीज इन द एग्रीकल्चर इज एक्सपैंडिंग विद 65% ऑफ द वर्ल्ड्स अनकल्टिवेटेड एरेबल लैंड, एम्प्लॉइंग ओवर 60% ऑफ द वर्कफोर्स एंड अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 20% ऑफ सब सहारन अफ्रीकाज जीडीपी। तो अब ये इकलौता है, आप देख सकते हो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जहां पे 65% ऑफ द एरिया जो है वो आपका अनकल्टिवेटेड है और उसको आप कल्टिवेशन कर सकते हो, मतलब एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आप देखेंगे आज के इंडियन एक्सप्रेस में पूरा का पूरा जो एक सेक्शन है वो रवांडा के ऊपर आया है। आज रवांडा के ऊपर 2 पेज में इंडिया रवांडा रिलेशंस के ऊपर और रवांडा के बारे में पूरा का पूरा आज आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। तो वहां पे आप देखो इतना ज्यादा एरिया खाली पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा स्कोप है। और इंडिया और अफ्रीका में आप देखो ट्रेड रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। नाउ गिवन द पोटेंशियल एंड द अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट, यहाँ पे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है एंड देयर इज अ ह्यूज प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया। बट चाइना जो है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स अपने इन्फ्लुएंस को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है यहाँ पे। चाइना इज अमंग्स द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर राइट नाउ ऑफ अफ्रीका, इट इज ऑल्सो अफ्रीका सिंगल बिगेस्ट क्रिएटर, इट्स कॉर्पोरेशन डोमिनेट एंड रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट आर नाउ एंटरिंग द एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। बट पता है आपको प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो यहाँ पे करना चाहता है या जो करता है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज अफ्रीका के लोगों को इसलिए नहीं मिलता बिकॉज चाइना यहाँ अफ्रीका में वो अपनी इकोनॉमी सेट करने आया है, वो अफ्रीका की इकोनॉमी इंप्रूव करने नहीं आया है, वो अपना काम करने आया है, वो उनको वही डेब्ट ट्रैप में फंसाना चाहता है, डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है जैसे बाकी कंट्रीज को फंसा रहा है। दूसरा, यहाँ पे दे नेवर गो फॉर वॉट इज नोन एज टेक ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता। अब वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल हाई फाई ले आएंगे चाइना से बट यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता, एंड दिस रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीका। वो अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे, अपने ही लोगों को लाएंगे, वहां के भी लोगों को इनफैक्ट एम्प्लॉय नहीं करते उतना, दे गेट देयर ओन वर्क फोर्स ऑल्सो, सो इट्स बेसिकली अपनी खुद की कॉलोनी बना रहे हैं वहां पे। ये सबसे बड़ा कंसर्न है अफ्रीका में चाइना के इन्वेस्टमेंट से। सो चाइनीज बिल्ट, अगर आप देखो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं इन इकोनॉमिक जोन्स इन अफ्रीका अट्रैक्टिंग लो कॉस्ट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दैट आर रिलोकेटिंग फ्रॉम चाइना। तो चाइना की है पैसा, चाइना की ही फैक्ट्री, चाइना की ही कंपनी और चाइना के ही लोग, और वहां के लोगों को उतना एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा, जो इंडिया को भी समझ में आ रहा है, बाकी कंट्रीज को भी समझ में आ रहा है, और इंडिया उसी को थोड़ा काउंटर करने की वहां पे कोशिश कर रहा है। सो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर ब्रांड चाइना बट दे वॉन्ट टू डोमिनेट द मार्केट इन द लॉन्ग टर्म, which includes pushing Chinese standards in almost these countries. So for example, in Zambia, Chinese firms are introducing agri-tech to combat traditional challenges such as using drone technology. तो अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमने बात भी की जिसके बारे में वैक्सीन डिलीवरी को लेके। देर ऑल्सो यू नो डेमोन्स्ट्रेटिंग ATDCS which is basically agricultural technology demonstration centers in the continent where the Chinese economists work on developing new crop varieties, increasing crop yields. अब देखो अफ्रीका एक हार्श क्लाइमेटिक रीजन में है, वहां पे आप देखो कि मेजरली जो है या तो सेंट्रल अफ्रीका है जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे डिजीजेस बहुत है, या फिर आप साहेल या सहारा में चले जाओ तो बहुत ही हार्श डिफिकल्ट कंडीशन है। तो वहां पे जो है क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, वो जो है चाइना बिल्ड कर रहा है उन लोगों के लिए, चाइना जो है उनके लिए जीएम, जो कहते हैं जीएम क्रॉप्स बना रहा है,
बट इवेंचुअली वहां के लोगों का फायदा इसलिए ना, बिकॉज दीज पीपल आर गोइंग डिपेंडेंट. सिंपल तरीका है, यहाँ के लोगों को नई वेराइटी ऑफ सीड दे दो, ठीक है, जीएम क्रॉप वाली, वो लोग उसको यूज टू हो जाएंगे. कल को उनके पास नहीं होगा खरीदने के लिए तो वो चाइना से ही खरीदेंगे, बट टेक्नोलॉजी कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे उन्हें, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है वहां पे, ठीक है. अभी कर रहे हैं वो लोग अफ्रीका वाले, बिकॉज बहुत सारी अफ्रीका में कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज एंड दे वांट मनी एंड दे वांट इकोनॉमिक गेन्स. तो अभी के लिए लॉन्ग टर्म में वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे, शॉर्ट टर्म में अफ्रीकन नेशंस बहुत सारे सोच रहे हैं. दूसरा, अफ्रीका की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि अफ्रीका में आप देखोगे मेजरली वहां के बहुत सारे लीडर्स को लोगों की पड़ी नहीं होती, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट अबाउट इट. मोस्ट ऑफ द वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स आर डन इन अफ्रीका, स्पेशली बाय देयर हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट. आप हर दिन देखो न्यूज आती है कि वेस्टर्न मॉरिटानियास, ये माली और ये और आसपास के जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोसोवो, मतलब आसपास के जितने भी आप कंट्रीज देख सकते हो, वहां के लीडर्स आर ब्लेम्ड फॉर जेनोसाइड, वहां के लीडर्स आर ब्लेम्ड फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. चाहे इथियोपिया देख लो, एरिट्रिया देख लो, टिग्रे रीजन में जो हो रहा है, चाहे आप सोमालिया में देख लो, तो वहां के एक्चुअली में लोगों को ज्यादा पड़ी भी नहीं है. वहां के जो लीडर है उन्हें बस अपने पैसे कमाने और पैसे कमा के निकल जाना है, ये भी एक प्रॉब्लम है. तो अल्टीमेटली वहां के लोगों का भला नहीं हो रहा है. सो अफ्रीका चाइना रिलेशंस आज के टाइम पे दे आर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से वहां पे डायस्पोरा जो है वो भी थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि चाइनीज लोग काफी आ गए वहां पे. तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए टेक अवे क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, देखिए इंडिया अफ्रीका के बीच में है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में जैसे मलावी हो गया, हमने रवांडा के साथ हमारा अग्रीमेंट है, हमने उनको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इनफैक्ट इसराइल के साथ काम करके वी आर गिविंग देम एग्रीटेक, वी आर गिविंग देम काउज, गाय तक तो हमने डोनेट करी है इन्होंने. उसके अलावा आप देखोगे इनके आसपास के जैसे मोजाम्बिक हो गया, ये सारी कंट्रीज से हमारा काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पोर्ट होता है. अब जैसे कैश्यू जो है उसके लिए अभी अग्रीमेंट साइन किया गया है कि कैश्यू जो है उसको इम्पोर्ट करेंगे, दूसरी वैरायटी जो है, एंड ऑलमोस्ट जीएम क्रॉप्स के लिए भी बात कर रहा है इंडिया की, दैट दे विल ट्राई एंड इन्वेस्ट इन अफ्रीका. अच्छा, अफ्रीका को भी पता है कि इंडिया इज अ वेरी गुड पार्टनर, बट क्या करें, पैसा ज्यादा जो है चाइना से मिल रहा है अभी, तो दे आर टिल्टेड अ लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स चाइना एज ऑफ नाउ. बट वो धीमे धीमे चीजें चेंज हो रही है, बिकॉज जो ट्रू कलर्स ऑफ चाइना है वो धीमे धीमे बाहर लोगों को दिख रहे हैं, एंड दैट इज वाई. बट कंसर्न तो ये है कि अफ्रीका को अगर चाइना कॉलोनाइज कर लेगा तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज कह सकते हो गेन इन द रीजन, बिकॉज अभी तक तो देखो उनका दबदबा मेजरली साउथ चाइना सी और आसपास के एरिया में था, इंडियन ओशन में होने नहीं देगा इंडिया, बिकॉज वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द पिक्चर है. बट बगल में आके आप देखोगे अफ्रीका की तरफ आ जाएगा. तो इंडिया को ये चीज रियलाइज हो रही है, इंडिया ने इसीलिए आप देखो जापान के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की भी बात की है कि हम लोग यहाँ पे इन पे फोकस करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड लिंकेजेस बनाए जा सके विथ यूरोप एंड अदर कंट्रीज, ठीक है. तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी. सो इंडिया जापान आर वर्किंग ऑन दिस कोलैबोरेशन नोन एज एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर. सो दैट वाज अबाउट दिस. बाकी महाराष्ट्र में कल जो स्पीकर हैं उन्होंने 12 जो एमएलए हैं बीजेपी के उनको सस्पेंड कर दिया, बिकॉज दे वर अब्यूजिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. तो उन्हें बोला 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया. देखिए स्पीकर के पास पावर होती है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो आपके चेयरमैन हो राज्यसभा के, चाहे वो आपके असेंबली के हो. तो मानसून सेशन स्टार्ट हुआ था तो वहां पे बीजेपी एमएलए जो थे वो लोग कुछ वही हल्ला गुल्ला और चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, तो उस वजह से वहां पे दे स्टार्टेड अब्यूजिंग ऑल्सो. तो 12 एमएलए लोगों को जो स्पीकर है उन्होंने 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है. तो आपको याद होगा कर्नाटका में तो मतलब पूरे रिमाइंडर टर्म के लिए कर दिया था, जिसको लेकर बवाल हो गया, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए सस्पेंड किया. तो हाउस वॉज एडजर्न एंड देन द स्पीकर यूजिंग हिज पावर सस्पेंडेड 12 MLAs इन महाराष्ट्र असेंबली. बाकी आज वर्ल्ड जूनोसिस डे है. यह बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज होती है दैट इज कॉज्ड बाय अ पैथोजन दैट हैज जंप फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस. तो कोरोना वायरस इज अ जूनोसिस जैसा माना जाता है कि बैट से और फिर पिग से और वेट मार्केट से आया है. तो आज ही के दिन मनाया जाता है 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे. सो इबोला, सैलमोनेला और द यू नो दैट हैव स्प्रेड मेजरली इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द 20th सेंचुरी. सो जूनोसिस आर इन्फेक्शियस डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस और वाइस वर्सा. इट कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, वेक्टर बॉर्न और फूड बॉर्न डिजीज, फूड बॉर्न एस्पेक्ट से. और लुईस पाश्चर जो थे उन्होंने पहली वैक्सीन बनाई थी अगेंस्ट रेबीज एंड विच वाज अ जूनोटिक डिजीज. तो उनको इसीलिए उनके इस सक्सेसफुल डिस्कवरी और वर्क के लिए इसको रिकग्नाइज किया जाता है.
इस टाइम जो इस बार जो थीम है, इसका थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। एंड जो वर्ड जूनोसिस है वो ग्रीक से आया है, वेयर जून मीन्स एनिमल एंड नोजेस मीन्स सिकनेस। तो इट्स अ ग्रीक एटिमोलॉजी। तो जूनोटिक डिजीज के अवेयरनेस के बारे में, तो किसी भी एनिमल से अगर कोई डिजीज जम करके ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है उसको जूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं। बाकी बड़ी अच्छी खबर आई है, मतलब हम लोग के टाइम पे अभी कैसा कभी कुछ नहीं होता था। सीबीएसई ने बोला है कि हम सिलेबस कम कर देंगे और बोर्ड एग्जाम्स को नवंबर और अप्रैल में कराएंगे। बट एक तरीके से देखो तो क्या ही है, मतलब आप देखो अभी एग्जाम नहीं हो रहा, फिर कब होगा कब होगा, ये सब कल तक चलता रहेगा। हमारे में तो एटलीस्ट होता था कि मई में एग्जाम हो जाता था, फिर हम लोग छुट्टियों के लिए भाग जाते थे। मैं चला जाता था फुटबॉल खेलने नेशनल लेवल पे, 12th क्लास आई थिंक, आई रिमेम्बर 10th के बाद जैसे ही बोर्ड खत्म हुआ, आईसीएसई बोर्ड में था मैं 10th में, तो जैसे ही मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, फर्स्ट चीज थी मेरे को, भाई मेरे को जाना है प्रैक्टिस करने फुटबॉल टीम के साथ। प्लेड फॉर 5-6 months एट स्टेट लेवल, देन उसके बाद 11th में भी खेला, 12th में भी खेला। तो उस समय अच्छा होता था, पता होता था, क्लैरिटी होती थी कि भाई एग्जाम हो गया खत्म, उसके बाद वी कैन प्लान समथिंग। ठीक है, अब क्या है अभी होगा कभी होगा, कुछ प्लान ही नहीं कर सकते। सो फर्स्ट टर्म एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल बिटवीन नवंबर दिसंबर 21 विद अ पीरियड ऑफ 4 to 8 weeks। सेकेंड टर्म जो है मार्च और अप्रैल 2022 के बीच में होगा। तो ये चीजें हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है, हमने इसके बारे में पहले भी बात की, सुप्रीम कोर्ट इज शॉक्ड, अघास्ट है सुप्रीम कोर्ट कि भाई सेक्शन 66 ऑफ ए ऑफ द आईटी एक्ट श्रेया सिंगल केस के बाद स्ट्रक डाउन हो गया था, बट अभी भी पुलिस इसको यूज करती है। कि अभी भी 6 साल हो चुके हैं इसको स्ट्रक डाउन किए, अभी भी पुलिस वालों को पता नहीं है, और अभी भी पुलिस ये ऑफेंसिव, और ये मतलब उन्होंने बोला कि इतना प्रॉब्लमेटिक है कि अगर किसी ने कुछ लिख दिया सरकार के खिलाफ तो 3 साल की सजा के लिए पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती सोशल मीडिया पे। और एनजीओ ने जिसने केस फाइल किया उन्होंने बोला कि भाई एनसीआरबी को डेटा कलेक्ट करना चाहिए कि इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि ये सेक्शन नहीं है, तो पुलिस को भी नहीं पता, तो बेचारी ये बोल भी नहीं सकते कि भाई किस सेक्शन में अरेस्ट कर लिया, किस सेक्शन में अरेस्ट कर लिया। सेक्शन सेक्शन 66 से तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब लॉ से हटा दिया गया है। और जिनको पता भी है वो मतलब जो वो कई बार क्या है इसको मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, लगता है लोगों को नहीं पता है, जो कि सही बात है। इनफैक्ट इवन पीपल आर नॉट अवेयर। सो मार्च 2015 में हटाया गया था, 6 साल से ऊपर होने को आ गया है, बट अभी भी इसका मिसयूज होता है। बाकी ट्विटर हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द आईटी रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, जो इंटरमीडिएटरी रूल्स थे इसको लेकर ट्विटर ने अपना काम नहीं किया है। और सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट जो है वो शील्ड करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और इंटरमीडिएट सच एज ट्विटर्स फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डेटा और कम्युनिकेशन। तो जब इंटरमीडिएट आईटी रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो दे आर लाइबल, दे कुड बी लाइबल फॉर पनिशमेंट। तो इन्होंने अभी तक रेजिडेंट जो ग्रीवेंस ऑफिसर है अंडर द रूल 4 जो अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए उसके अंदर इन्होंने अपॉइंट नहीं किया। फेसबुक ने भी कर दिया, व्हाट्सएप ने कर दिया, बट ट्विटर नहीं कर रहा, ये अपने अलग ही डिफाइंस पे चल रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बोला है कि हम स्टिफर फाइन लगाएंगे फॉर पेस्की कॉल्स एंड एसएमएस। तो उन्होंने बोला है कि जो स्लैब इसको बढ़ा देंगे हम 1,000 रुपए से 5,000 10,000 तक ले जाएंगे। सो दे विल एंड जो ये जो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की, ये वायलेशन को चेक करेगी एंड विल सेंड अ सिस्टम जनरेटेड मैसेज टू सस्पेक्टेड मेंबर्स फॉर वेरिफिकेशन। इन केस ऑफ नॉन वेरिफिकेशन दीज नंबर विल बी डिस्कनेक्टेड एंड इनके जो IMEI नंबर उनको सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देंगे। नो कॉल SMS डेटा विल बी अलाउड फॉर IMEI इन सस्पेक्टेड लिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो जो फर्जी कॉल आते हैं कई बार आपको देखो वो जमदारा टाइप कॉल आ रहे हैं, या फिर कई बार कोई मार्केटिंग वाले कॉल होते हैं जबरदस्ती आपको बेवकूफ बनाने के लिए, तो ऐसे पेस्की कॉल्स। और कई बार क्या होते हैं आप देखो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स प्रीपेड सिम कार्ड लेके यूज कर लेते हैं, तो उनको अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो इनकी जो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है वो वेरीफाई करेगी। तो अगर वो नंबर वेरीफाई नहीं हुआ तो उसको बंद कर दिया जाएगा 30 दिन तक, और अगर पकड़े गए तो उसमें 10,000 रुपए तक ज्यादा का फाइन भी मिलेगा। बाकी आयुर्वेदा डेटा सेट ऑन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री जो है इंडिया पोर्टल पे लॉन्च किया है आयुष मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने, एंड ये प्राइम रजिस्टर होगा क्लिनिकल ट्रायल्स का अंडर द इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म जो WHO के अंदर है। सो क्रिएशन ऑफ आयुर्वेदा डेटा सेट बेसिकली इसके अंदर बनाया जा रहा है जिससे आयुर्वेदा के जो टर्मिनोलॉजीज हैं प्रैक्टिसेस हैं उनको क्लिनिकल स्टडी में उसको स्टोर कराया जाएगा और प्रिजर्व किया जाएगा ऑन दिस पोर्टल। तो
अभी तक क्या था कि आयुर्वेदा की एक इंडिजिनस कह सकते हो कोई रजिस्ट्री नहीं थी ऐसे टर्मिनोलॉजी के लिए, बट अब क्या है इस पोर्टल का यूज किया जाएगा। सो दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स वर्ल्ड वाइड विजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू, इससे आयुर्वेदा का प्रमोशन बहुत ज्यादा होगा वर्ल्ड। सिमिलरली फोर मोर पोर्टल्स अमर साही ई मेधा एंड एरामैक्स जो है करके विल बी लॉन्च, ऑल ऑफ देम हैव बीन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। अनअकैडमी वाले कॉल करके क्या बोल रहे हैं शो, आपको सब्सक्रिप्शन ले लो। उनको बोलो मैं तभी लूंगा अगर डीप टू सेवन कोड यूज करूंगा तो। सॉरी बाकी जो कोविन प्लेटफॉर्म में पहले भी थोड़ा ओपन सोर्स कोड थे, अब इन्होंने और ज्यादा उसको ओपन सोर्स कर दिया है। तो बेसिकली अब आप इसको डेवलपर्स इसको यूज कर सकते हैं ऐप बनाने के लिए और अपने ऐप में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी इसमें बनाया था बट मैंने इसको यूज नहीं करा बिकॉज उस समय ना लिमिटेशन थी। तो जब ये वैक्सीनेशन चालू हुआ था तो मैंने कोविन से थोड़ा ओपन सोर्स करके कोडिंग करी थी और एक एक हेल्प भी ली थी मैंने एक स्टूडेंट की, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो उसमें क्या है कि यू कैन यू नो बिल्ड एन ऐप, यू कैन मेक अ वेबसाइट जहां पे कोविन से डेटा आएगा और आप उसको यूज कर सकते हो। सो दिस विल हेल्प इन ट्रैकिंग द यूजेज ऑफ वैक्सीनेशन। तो बेसिकली वैक्सीनेशन के अवेयरनेस को लेकर और वैक्सीनेशन की ड्राइव को और स्ट्रेंथन करने के लिए इसको अब बिल्कुल ही ओपन सोर्स कर दिया गया है ताकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इसको यूटिलाइज कर पाए। अब देखो इसका एप्लीकेशन कितना जबरदस्त है। रेस्टोरेंट्स, ठीक है, रेस्टोरेंट चेन्स हो गए, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, चलो एयरपोर्ट तो फिर भी सरकार के अंदर में, आपका वैक्सीनेशन डेटा, मतलब किसी का प्राइवेट डेटा नहीं जाएगा बट वैक्सीनेशन पोर्टल से कोविन के बैकएंड से डेटा फेच किया जा सकता है बाय बिल्डिंग एन ऐप की। आप मॉल में तभी घुसोगे जब अगर आपका वैक्सीनेशन हो रखा होगा, या फिर मान लो आपका फर्स्ट डोज नहीं हुआ है तो सेकेंड डोज चेक कर सकते हैं। मतलब एक तो क्यू आर कोड तो है ही, सिस्टम इंडिविजुअली दिखाते हो बट कई बार क्या होता है लोग क्यू आर कोड भी फेक कर देते हैं। तो कितने सारे मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो आज के टाइम में जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इसको यूज कर सकती है कोविन प्लेटफॉर्म के जो ओपन सोर्स डेटा है फॉर मेकिंग एप्स एंड बिल्डिंग वेबसाइट्स विच आर यूजर फ्रेंडली एंड एंड हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बाकी सिटीज अलॉन्ग रिवर्स अर्थ टू इंक्लूड कंजर्वेशन प्लान, सो सिटीज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स विल हैव टू इनकॉर्पोरेट रिवर कंजर्वेशन प्लान्स व्हेन दे प्रिपेयर देयर मास्टर प्लान सच एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द नेशनल मिशन फ्रॉम क्लीन गंगा। से एक प्रपोजल आया है कि जो भी शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं वहां पे उस नदी के एरिया को, स्ट्रेच को कंजर्व करना, उसके ऊपर सिटीज के डेवलपमेंट प्लान्स को फोकस करना चाहिए। सिमिलरली देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक रिहैबिलिटेशन जो प्लान्स हैं फॉर सच इंक्रोचिंग एंटिटीज एंड द रिकमेंडेशन आर करेंटली फॉर टाउन्स दैट आर ऑन द मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा रिवर। तो इसमें 97 है, चाहे जैसे आप देखो 5 states हैं उसमें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो इसमें सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग होगी आपकी वाटर क्वालिटी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे रिवरीन बायोडाइवर्सिटी मैपिंग के लिए, बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाएगा, सिटीजन साइंस फॉर रिवर हेल्थ मॉनिटरिंग एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स यूज किए जाएंगे फॉर फ्लड प्लेन मैपिंग। तो बेसिकली उनको बोला गया कि सिटी और टाउन जो भी अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बना रहे हैं उनको ये ध्यान रख के करके बनाना है जो ये रिवर बैंक के अलॉन्ग है कि उनके प्लान्स कहीं ना कहीं नदियों को अफेक्ट ना करें। बाकी इंडियन साइंटिस्ट हैव बीन अवार्डेड अ ग्रांट टू डेवलप एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी। सो अ टीम ऑफ इंडियन रिसर्चर्स हु हैव बीन वर्किंग ऑन डेवलपिंग एमआरएनए वैक्सीन हैव बीन अवार्डेड अ ग्रांट बाय इग्नाइट लाइफ साइंसेज फाउंडेशन बाय बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना। दोनों ही आपकी एमआरएनए यूज करती है। हमने इसके बारे में बात की थी कि आरएनए है, मैंने इनफैक्ट आपको वीडियो भी दिखाया था एक कि कैसे आरएनए को सेंड किया जाता है, आरएनए से मॉडिफाई करके स्पाइक प्रोटीन को मिमिक किया जाता है। So the Ignite Life Sciences Foundation has awarded its first grant award for the term of researchers at the Indian Institute of Science Bengaluru and the Translational Health Science and Technology Institute in Faridabad. So in logon ko grant diya gaya hai taki ye log aur research kare mRNA vaccine pe. Acha mereko ek interesting cheez aap logon ko dikhani thi, maine ek video dhunda hai bahut acha aap logon ke liye. Aapko yaad hoga last time humne na baat ki thi for needleless vaccine. याद है आप लोगों को नीडलेस वैक्सीन की बात की थी, नीडलेस वैक्सीन कैसे काम करता है। तो नीडलेस वैक्सीन में देखिए बेसिकली जो टेक्नोलॉजी होती है, लास्ट टाइम वीडियो नहीं मिला था पूरा, नीडलेस वैक्सीन जो होती है वो फार्मा जेट करके टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो फार्मा जेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, फार्मा जेट में आपके जो नीडल होता है उसके बजाय जो दवाई होती है उसको ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर से रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है।
जो जाइडस कैडिला ने बनाया है, ठीक है, उसको हम क्यों बोलते हैं नीडललेस जो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं उनको। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये आपकी ट्रेडिशनल नीडल वाला सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको सुई जो है आपके स्किन में पेनिट्रेट करती चली जाएगी, और जो दवाई होती है वो एक इन अ फॉर्म ऑफ बबल, ठीक है, बबल के फॉर्म में आप देखोगे जो है इंसर्ट की जाती है। ये जो होती है जो बबल के फॉर्म में जाती है, इसको मानते हैं कि उतना ज्यादा स्ट्रांग इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करती। फार्मा जेट इसको बोलते हैं। इसमें क्या होती है, हाई प्रेशर गन टाइप होती है। इसमें जो दवाई होती है, दवाई को ही बहुत ही हाई प्रेशर की एक पतली सी धारा, पतली सी स्ट्रीम से इसको इंजेक्ट करते हैं, तो ये पेनलेस होता है, पेन नहीं होता और पेनिट्रेशन ऑफ स्किन नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली में इसको स्किन की जो अपर लेवल है, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर जो है, ऊपर में ही ये कुछ एक्टिव साइट्स होती है, सेल्स होते हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो क्या होता है, आप देखोगे अभी एक हॉरिजॉन्टल शीट लेयर में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब देखो जैसे ये जो है, इसमें क्या होगा, पूरा एक पेन जैसा रहता है, और उसके अंदर क्या होगा, पेन जो है उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ दवाई जाती है, वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करती है और स्किन के सेल्स उसको अब्सॉर्ब करके अंदर ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसमें सीरेंज नहीं होती, इसमें क्या होता है, वो पेन जैसा रहता है, और वो पेन जो है आपका वो ही जो है इज यूज्ड। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप देखोगे ये जो वीडियो है, इसमें इन्होंने दिखाया कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो दीदी जी बताएंगी, पहले साफ करेंगे इसको ऐसे, देखोगे पेन जैसा आपको दिखेगा, और उसको पहले क्लीन कर देंगे सरफेस को, क्योंकि इन्फेक्शन ना हो। तो वो पेन जैसा जब आप प्रेस करोगे तो इट विल इंजेक्ट अ वेरी हाई स्पीड पे आपकी जो दवा होती है, देखो ऐसा दिखता है, मतलब देर आर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन। तो उसमें जो वायल होता है जो दवाई का, उसको आप, इट्स बेसिकली लाइक अ गन, तो उसमें आपने कार्ट्रिज लोड किया दवा की। और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको डर लगता है कि सुई चुभाते हैं। इसमें क्या होगा, उसको ऐसे लगा देंगे और बहुत ही हाई जो प्रेशर है उससे जो आपकी दवा है वो आपकी पेनिट्रेट करेगी। तो दीदी जी लगाओ जरा। हाँ दीदी जी ने सेट कर दिया है। ओके दीदी जी पूरी टेक्निक बता रही है कि कैसे लगाना है। दीदी जी ने पूरे ढंग से नहीं दिखाया। अच्छा ये बता रही है, ये प्रमोशन कर रहे हैं अपने दुबई का, कोई नहीं। हाँ इन्होंने देखिए ये जाइडस कैडिला के बारे में बता रहे हैं, तो ये इन्होंने, हाँ इट्स बेसिकली लाइक दिस, ये क्या होता है कि ये आपका हाई स्पीड पे जो दवा है उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे रैंडम वीडियोज आपको मिल जाएंगे। सो टेक्नोलॉजी इज नोन एज फार्मा जेट टेक्नोलॉजी, तो बस नाम याद रखेगा, इट इज कॉल्ड एज फार्मा जेट। जो फार्मेसी है, मतलब जो दवा है उसको जेट के फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं फार्मा जेट टेक्नोलॉजी। तो अगर एग्जाम में आए, टेस्ट में आए, तो हम लोग उसको याद रखेगा, इट्स नोन एज फार्मा जेट। बाकी सर्वे ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स टू सेट बेसलाइन फॉर लिटरेसी गोल। सो सेंटर्स निपुण भारत मिशन हैज सेट अ गोल दैट बाय 2026-27 एवरी क्लास 3 चाइल्ड शुड बी एबल टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट। तो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, और एग्जिस्टिंग समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आप देखोगे लगभग 2600 जो है 88 करोड़ के आसपास दिए गए। सो अपार्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अ चाइल्ड ऑफ 8 और 9 ईयर शुड बी एबल टू राइट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। आप देखोगे जो असर की रिपोर्ट आती है उसमें पाया गया कि जनरली 5th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। सो टुगेदर विथ सिंपल नंबर प्रॉब्लम्स एंड द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई शेप टाइम एंड डेट फ्रैक्शन एंड मेजरमेंट इन रियल लाइफ सिचुएशन, तो निपुण भारत के अंदर इनमें इनके जो निपुण बनाना मतलब बेटर बनाना, निपुण बोलते हैं ना किसी को, निपुण है इसमें, निपुण मतलब कि एक्सपर्ट है। सो निपुण भारत स्ट्रैटेजी इंक्लूड करता है चेंजेस इन करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स टू इंक्लूड मोर एक्टिविटी आर्ट एंड स्टोरी टेलिंग। मोहित सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन का काम चालू हो चुका है, टीम लगी हुई है, 8-10 लोगों की टीम है हमारी, फटाफट काम कर रहे हैं। जितनी जल्दी जो 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 कंप्लीट होता जाएगा उसको मैं एक बार रिव्यू करके मैं अपलोड करता चला जाऊंगा साइट पे, तो नेक्स्ट एक हफ्ते में आपको मिलना चालू हो जाएंगे लगभग। बाकी लगभग 1,000 अफगान ट्रूप्स जो हैं, दे हैव फ्लीड फ्रॉम तजिकिस्तान।
क्योंकि तालिबान से लड़ाई हो रही थी, तो यूएस हैज अनाउंस दैट इट हैड हैंडेड ओवर द बगराम एयर बेस। अब देखो चालू हो गया ना, अब जैसे ही इन्होंने वापस गए, इनको पता चल गया कि अब धीमे धीमे पुल आउट कर रहे हैं, तालिबान अपने ट्रू कलर्स पे आ चुका है थोड़ा बहुत, और अब देखो वहां पे लड़ाई चालू हो गई, तो यहां से लगभग 1000 अफगान ट्रूप्स भाग के आ गए क्योंकि लड़ाई चालू कर दी इन्होंने कब्जा करने की वहां पे। एंड द स्पीड एंड ईज ऑफ तालिबान इफेक्टिव टेक ओवर ऑफ द प्रोविंसेस रिप्रेजेंट अ मैसिव साइकोलॉजिकल ब्लो टू द अफगान गवर्नमेंट। हमने कल बात की थी तीन पॉसिबिलिटीज की। अब हाँ, जो तीनों पॉसिबिलिटी में सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी कि तालिबान विल टेक ओवर इंटायर अफगानिस्तान, उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि अफगान गवर्नमेंट उतनी स्टेबल तो है नहीं कि ये कंट्रोल कर पाएंगे इनको। बाकी लगभग $70 मिलियन इन बिटकॉइन जो है, ऐसे हैकर्स मांग रहे हैं, फिरौती रैंसमवेयर है बाई अटैकिंग यूएस आईटी कंपनी दैट हैड हंड्रेड ऑफ डेटा ऑफ स्वीडिश सुपरमार्केट। तो मायामी बेस्ड फर्म है कसेया, इनसे बोला गया है कि मोर देन 1000 कंपनीज दे हैव बीन अफेक्टेड बाय द रीसेंट साइबर अटैक, और इनसे रैंसमवेयर और वॉनाक्राई जैसे था वैसे इन्होंने बोला है रैंसमवेयर के अंडर की दे आर डिमांडिंग $70 मिलियन के आसपास रैंसम फ्रॉम दिस कंपनी, कि उन्होंने बोला तभी हम डेटा रिलीज करेंगे अगर आप ये हमें दोगे। सो एफबीआई बिलीव्स दैट रेवल आल्सो नोन एज सोटिनकी वाज बिहाइंड अटैक लास्ट मंथ ऑन ग्लोबल मीट प्रोसेसिंग जायंट व्हिच एंडेड अप पेइंग ऑलमोस्ट $11 मिलियन इन बिटकॉइन टू द हैकर्स। अच्छा, बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने भी रिसेंटली पे किया हुआ है। यूएस के अलावा आप देखो इंडिया में भी जनरली हर दिन ही साइबर अटैक होता है, बहुत सारी इंडियन कंपनीज, वो हमेशा न्यूज में नहीं आता बट बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने साइबर अटैकर्स को दिया हुआ है रैंसम, जब जाके उनका डेटा जो है वो आपका रिवोक हुआ है, मतलब डेटा जो है रिलीज किया गया है। बाकी सर्विस सेक्टर जो है मोस्टली जुलाई में श्रिंक कर जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आप देखो उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है फ्रॉम 2-3 महीने से जो लॉकडाउन लगा हुआ था, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है गिरा हुआ है, जॉब्स भी नहीं है सर्विस सेक्टर में, और मोस्ट ऑफ द आप देखो रेस्टोरेंट्स ट्रैवल एजेंसीज बंद हो गई हैं। जून का भी जो पीएमआई है एट अर्लीस्ट लीड टू 48.4, सो वो जो जो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है ऑफ द इकोनॉमिक शटडाउन वो इमिडिएटली नहीं दिखता, आने वाले 1-2 महीने में इफेक्ट उसका दिखता है, तो वो जून और जुलाई के मंथ में दिखा। बाकी इंडिया ने अपना जो इंक्रीज किया है जो वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपका जून में थोड़ा बढ़ा है, आप देखो स्टॉक मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इंडिया के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंक्रीज हो गया टू 66% इन 1 ईयर टू 3.2 ट्रिलियन 3.02 ट्रिलियन डॉलर इन जून 2021। और इंडिया आप देखोगे वो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है, शायद ये बबल है जो स्टॉक मार्केट का बर्स्ट हो जाएगा, बट अभी के लिए तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होती है उनकी मार्केट वैल्यू पे होता है, एंड वो जो है इंडिया का सिग्निफिकेंटली बड़ा हुआ है। बाकी पोटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया स्पेस सेक्टर अनश्योर इफ देयर लाइसेंस एप्लीकेशन वुड गेट अ फेयर कंसिडरेशन ऑन वेरी वेरी ऑफ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट गिवन दैट द डिपार्टमेंट स्पेस इज बोथ द सेक्टर रेगुलेटर एंड सर्विस प्रोवाइडर बाय वे ऑफ रोल ओवरसीइंग द इसरो। तो आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी हमने प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया है स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसमें जो फॉरेन के कई सारे इन्वेस्टर्स है वो थोड़े कंसर्न है कि एक तो इसरो जो है वो खुद ही हैंडल कर रहा है और इसरो खुद भी जो है एक तरीके से कह सकते हो सर्विस प्रोवाइडर है, और इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है जो खुद एक रेगुलेटर है, तो खुद ही रेगुलेटर और खुद ही सर्विस प्रोवाइडर होने से क्या होता है एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि अपने इंटरेस्ट को इसरो जो है प्रोटेक्ट करने के लिए शायद बाद में उनकी पॉलिसीज अफेक्ट हो सकती हैं। सो जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो थोड़े से यहाँ पे दुविधा में है कि करें कि ना करें, बिकॉज पैसा फंस सकते हैं। जैसे आपको याद होगा रिसेंटली इन स्पेस को लॉन्च किया गया है एंड अ न्यूली क्रिएटेड रेगुलेटरी बॉडी है that has received at least 26 applications from the Indian and foreign firms that includes proposal to set up ground stations and launch satellites. तो foreign investors interested तो हैं because India में बहुत बड़ी market है इसरो के पास, बट उन्हें लगता है कि भाई खुद ही प्रोवाइडर भी है, खुद ही रेगुलेटर है, तो कल को कुछ इशू होगा तो खुद पता चला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। दैट इज द पॉइंट। बाकी एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म लास्ट न्यूज है आज की, एल्सा नियर्स क्यूबा एंड वरीज फ्लोरिडा। तो ये एक आप देखेंगे अब ट्रॉपिकल साइक्लोन का सीजन आ चुका है, तो एल्सा जनरली आप देखोगे लोगों को फ्रोजन वाली जो कैरेक्टर है उसके नाम पे पता होता, जनरली जो जो गर्ल चाइल्ड है उन लोगों को ज्यादा पता होगा इसके बारे में। एल्सा इज जो मम्मी है उनको पता होगा, उनकी डॉटर्स के लिए बड़ा फेवरेट कैरेक्टर होगा एल्सा। सो एल्सा इज अ नेम ऑफ अ नाउ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। वो फ्रोजन मूवी जो आई थी एनिमेशन वाली उसमें एल्सा होती है, मतलब श्रीदा से लेके आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट एल्सा एंड एवरीबडी वॉन्ट्स दैट एल्सा वाला डॉल, एल्सा वाला ड्रेस, एल्सा वाला केक, ब्ला ब्ला ब्ला। तो
ये नेक्स्ट जो स्टॉर्म है जिसका नाम जो अटलांटिक हरिकेन सीजन में आ चुका है, एंड ये अभी कैटेगरी 1 हरिकेन है। धीमे धीमे बता रहे हैं कि इसका जो है पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग इंक्रीज्ड इज वेरी नियर एज पर द डेटा। मैक्सिमम सस्टेन विंड स्पीड इज अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर विद हायर गस्ट। सो एल्सा नाम से अब आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आ चुका है। ठीक है, चलिए तो रेड सॉइल्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे फटाफट। आज के लिए बस इतना ही था। दे डेवलप ऑन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, दे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रिच इन मिनरल्स लाइक पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। दिस इज ट्रू दैट दिस हरिकेन विल नॉट बी एज क्यूट एज एल्सा। तो जब एल्सा को भी गुस्सा आता था तो शी ऑल्सो, यू माइट हैव सीन द मूवी, जब उसको गुस्सा आता था वो हर चीज को डिमोलिश कर देती थी। तो ये एल्सा गुस्से वाला रूप है एल्सा का। जब एल्सा को गुस्सा आया तो वो हरिकेन बन गई, तो दिस इज द हरिकेन पार्ट ऑफ एल्सा। सो एनीवे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बाकी 1 बजे तो खैर आज क्लास है ही हमारी, आईआर की चालू हो रही है फटाफट। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसे कवर करना है पूरा आईआर को, आज के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज बी, रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक, जहां पे लो रेनफॉल होता है स्पेशली इन दी सदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। उसके अलावा देखो रेडिश कलर होता है ड्यू टू द वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो द फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल्स आर नॉर्मली फर्टाइल, वेयर एज कोर्स ग्रेन जो होते हैं वो आपके पुअर होते हैं फर्टिलिटी में, बट दे आर नॉट दैट गुड इन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। लास्ट सवाल है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेके, फार्मर्स लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज आर द शेयर होल्डर्स ऑफ एफपीओ। नबार्ड का एक डेडिकेटेड फंड होता है एफपीओ को प्रमोट करने के लिए। करेक्ट आंसर इज एफपीओ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ग्रुप ऑफ फार्म प्रोड्यूसर है, लिस्टेड बॉडी है आपकी विद स्टेक होल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है ये प्रोवाइड करता सपोर्ट फॉर दिस एफपीओ। बाकी नबार्ड का डेडिकेटेड फंड है एंड थ्रू नबार्ड सब्सिडरी नब किसान फाइनेंस लिमिटेड, ये आपके डिजिटाइजेशन ऑफ एफपीओ डेटा और बाकी चीजों के बारे में करते हैं। बिसाइड्स नबार्ड इज ऑल्सो रनिंग एन अवेयरनेस कैंपेन ऑन द रोल ऑफ एफपीओ। तो देवियों सज्जनों आज के लिए बस इतना ही। न्यूज़पेपर एनालिसिस में वीकली कंपाइलेशन आपका देखिए जून का पूरा कंपाइल हो चुका है, मई का पूरा कंपाइल हो चुका है, अवेलेबल है वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। और जो हमने बात की थी एनुअल कंपाइलेशन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, वो टीम ने चालू कर दिया अपना काम। बहुत जल्द जैसे जैसे जो जो कंप्लीट होता चला जाएगा आपको मिलता चला जाएगा। बाकी कल से और आज से कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप उनको एनरोल कर सकते हैं। यू कैन टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड डीपीएस लाइव and then you can message me on team Dipanshu or dsing27 pe, and uske baad you can reach out to me for any sort of any query and preparation. Kal main reply nahi kar paya tha kuch messages ke, parso I had replied, but today after the class I'll reply to some of the questions. Theek hai, baki all the notes will be uploaded on the website dipanshusing.com, yahan pe aap ja sakte hain. Theek hai, thank you so much guys everyone. Do not forget to like and share the video and I'll see you guys at 1 p.m. for a brand new course on international relations. Bye.